साथियों, स्वागत है आप सभी का स्टडी पॉइंट में। जैसा कि आप सभी को ज्ञात है कि भाई ईद के बाद जो है हमारा जो थर्ड सेमेस्टर है उसकी एग्ज़ाम सीट आ जाएगी, यानी कि एग्ज़ाम डेट जो है वो आ जाएगी। स्कीम जल्द से जल्द दोस्तों आपकी तारीख भी घोषित हो जाएगी, क्योंकि जो एग्ज़ाम इसलिए डिले हो गए थे थोड़े से, क्योंकि अब जो है ईद, जब तक ईद हो जाए, क्योंकि कुछ मुस्लिम बच्चे भी हैं, ठीक है, सभी को ध्यान में रखते हुए एग्ज़ाम कराए जाते हैं। तो आज की वीडियो हमारी उसी को फोकस कर गई है कि भी हम जो है सामाजिक अध्ययन के कुछ चुनिंदा प्रश्न लेकर आए हैं जो कि अति लघुतरीय प्रश्न होंगे। और गाइज, अभी से अपनी तैयारी को थोड़ा सा फास्टली मोड दे दीजिएगा, क्योंकि गाइज हमें ऐसा लगता है गाइज कि भाई पढ़ लेंगे। भाई कब पढ़ लोगे? दोस्तों अभी से आप पढ़ना स्टार्ट कीजिएगा। आपको पता है ना, 2015 बैच में सबसे ज़्यादा जो बैक लगी थी वो कंप्यूटर में और सामाजिक में लगी थी, ठीक है। चाहे आप अपने सहपाठियों से और पीछे से जो स्टूडेंट्स हैं उनसे पूछकर देख लीजिएगा, एक एक नंबर से बैक लगी थी सामाजिक में। और कहते हैं ना कि दोबारा से स्क्रूटनी कर दूंगा, उससे कुछ नहीं होता भाई, चाहे कितने कर लेना। तो अति लघुतरीय प्रश्न मैं आपके लिए लेकर आया हूँ, इनको देखिए आराम से। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे कि भाई हम जो मूल अधिकार, उसकी परिभाषा जान लेते हैं। मूल अधिकार कितने होते हैं उनकी परिभाषा जानेंगे। गाइज, मूल अधिकार वे अधिकार होते हैं जो कि व्यक्ति के जीवन तथा विकास के लिए अनिवार्य होने के कारण संविधान के द्वारा नागरिकों को प्रदान किए जाते हैं। और व्यक्ति के इन अधिकारों में राज्य के द्वारा भी मनमाने तौर पर हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता। तो ये आपके देखिए मूल अधिकार हैं। अगर हम दोस्तों बात करें दक्षिण कोरिया की, तो गाइज आपको पता है ना उसके रूल अलग हैं। देखिए उनका एक टाइम जोन अलग है, उनका टाइम जोन है भाई। और गाइज वहाँ पर देखिए आप क्या कर सकते हैं, वहाँ पर जैसे वहाँ का जो तानाशाह है उसकी तरह आप बाल भी नहीं कटा सकते। तो आप समझ सकते हैं कि भाई हमारा इंडिया कितना अच्छा है इस तरीके से। भारतीय संविधान में वर्णित मूल अधिकार, अगर दोस्तों दक्षिण कोरिया की बात करें तो बहुत ज़्यादा समय लगने वाला है, बहुत डिटेल में पहुँच जाऊँगा बहुत अच्छे से। आप कभी ना कभी नेट पर यूट्यूब पर डालकर देखिएगा, उससे संबंधित जानकारी जरूर इकट्ठा कीजिए। भारतीय संविधान के तृतीय अध्याय में अधिकारों की स्पष्ट रूप से व्याख्या की गई है। और भारतीय संविधान में भाग तीन द्वारा नागरिकों को निम्नलिखित मूल अधिकार प्रदान किए गए हैं। देखिए पहला आपका समानता का अधिकार है, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, सांस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार और संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये आपके 6 अधिकार हैं, ठीक है। चलिए हम लोग आते हैं अति लघुतरीय प्रश्न पर फटाक से। पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे कि लिखित संविधान के किन्हीं दो गुणों का जो है उल्लेख आपको करना है। क्या करना है आपको कि लिखित संविधान के किन्हीं दो गुणों का उल्लेख कीजिए। एक नंबर में आपसे क्वेश्चन पुटअप करेगा, तो इसका क्या होगा, स्पष्टता तथा निश्चितता। सेकंड होगा जनता के प्रतिनिधियों द्वारा निर्मित। तो ये आपका एक नंबर यहाँ से बनेगा। लचीले और कठोर संविधान के मध्य कोई एक अंतर आपको बताना है। तो लचीले संविधान में परिवर्तनशीलता का गुण होता है, जबकि कठोर संविधान में स्थायित्वता होती है। लिखित संविधान के कोई दो उदाहरण आपको देखने हैं, तो देखिए एक भारत का संविधान हो गया, एक अमेरिका का। तो ये आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 आपका इम्पोर्टेंट है भाई, लिखित संविधान का दो उदाहरण आपका देखिए अमेरिका का संविधान और भारत का संविधान जो है लिखित संविधान है। अगला प्रश्न आपका होगा कि एक लचीले संविधान का नाम आपको बताना है, तो ग्रेट ब्रिटेन का जो संविधान है वो लचीला संविधान है। लिखित संविधान तथा अलिखित संविधान का एक एक उदाहरण आपको बताना है। तो भाई लिखित संविधान हमने अभी डिस्कस किया था कि अमेरिका का और भारत का है, और अलिखित जो है ब्रिटेन का है, ओके। तो ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, संविधान से संबंधित क्वेश्चन है हमारे सारे के सारे। कठोर संविधान के दो गुण आपको बताने हैं, तो अधिकारों का रक्षक हो गया और शासन में स्थायित्व। ये कठोर संविधान कहाँ का है भाई, संविधान क्या दोस्तों, वहाँ पर तो राज चलता है, कहाँ, दक्षिण कोरिया। अच्छे संविधान के दो गुण बताने हैं आपको, व्यापकता और स्पष्टता एक अच्छे संविधान के गुण हैं। नेक्स्ट दोस्तों स्लाइड देख लेते हैं हम लोग, नेक्स्ट स्लाइड में क्या दिया है। नेक्स्ट स्लाइड है अपनी कि भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार होता है। तो भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचक मंडल द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अंतर्गत एकल संकीर्णीय पद्धति के आधार पर होता है। यदि राष्ट्रपति पद में स्थायी रिक्तता आती है तो कितने दिन या माह के अंदर राष्ट्रपति का चुनाव होने की व्यवस्था है। तो दोस्तों ये है 6 माह के अंदर
राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत करता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा भाई अपना, 90% क्वेश्चन चांस है इसके। राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत करता है। भारतीय गणतंत्र के प्रथम राष्ट्रपति, भारतीय गणतंत्र के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। भारत के दूसरे राष्ट्रपति डॉक्टर, दोस्तों ये थे सर्वपल्ली राधाकृष्णन। संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता राष्ट्रपति करता है। उपराष्ट्रपति के दो प्रमुख कार्यों का वर्णन करना है। देखिए एक नंबर क्वेश्चन है, वर्णन करा रहा, तो ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं DLED BTC में। पहला आपका होगा कि राज्यसभा के अधिवेशनों का सभापतित्व करना, और यदि किसी कारणवश राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए तो राष्ट्रपति के पद के समस्त कार्य संपादित करता है। क्वेश्चन नंबर 15 होगा, राष्ट्रपति को कितना आवेदन मिलता है? इसमें देखिए इन्होंने लिख रखा है 1.5 लाख, जो कि गलत हो जाएगा दोस्तों। अब जो है 5 लाख मिलता है। कितना मिलता है? अब जो है 5 लाख मिलता है। अगला प्रश्न आपका होगा कि भारतीय संघ की किन्हीं दो विशेषताओं को लिखना। आपको भारतीय संघ की पहली विशेषता होगी लिखित संविधान, दूसरा होगी शक्तियों का विभाजन। इसी तरह से दोस्तों हम लोग अगले क्वेश्चन पर पहुंचते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 पर। क्वेश्चन नंबर 17 बोल रहा है कि संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यों में संवैधानिक तंत्र विफल होने पर राष्ट्रपति शासन की घोषणा की जाती है? तो संविधान के 356वें अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति शासन की घोषणा की जाती है। अगला प्रश्न आपका होगा कि उपराष्ट्रपति पद के प्रत्याशियों के लिए निर्धारित अर्हताओं में से किन्हीं दो अर्हताओं का उल्लेख आपको करना है? तो दोस्तों वह पहला आपका होगा वह भारत का नागरिक होना चाहिए, दूसरा वह राज्यसभा का सदस्य चुने जाने की योग्यता रखता हो। इसी कड़ी में अगला क्वेश्चन आपका हो गया कि भारत का राष्ट्रपति कैसे निर्वाचित होता है, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। तो भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन संसद के दोनों सदनों को, जो दोनों सदनों की बैठक होती है संयुक्त बैठक में, आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार एकल संक्रमणीय पद मत पद्धति से तथा गुप्त मतदान द्वारा होता है। यहाँ पर जो मतदान होता है वो गुप्त होता है। भारतीय राष्ट्रपति के निष्कासन की पद्धति आपको बतानी है, तो राज्यसभा अपने बहुमत से लोकसभा की स्वीकृति लेकर उपराष्ट्रपति को पदच्युत कर सकती है। तो दोस्तों ये थे हमारे कुछ चुनिंदा प्रश्न, और आई होप दोस्तों चाहे मिलान कर लीजिएगा जब आपका एग्जाम आए, इसमें से आपका 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है? 1 या 2 नंबर क्वेश्चन 100% पूछे जाएंगे। तो आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, और बाकी अपने फ्रेंड्स में रेफर कर दीजिएगा वीडियो को। थैंक यू।